फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो गवर्नमेंट ओन्ड स्टॉक है एक किस्म से, जिसका नाम है रेल विकास निगम, RVNL। ये एक ऐसी कंपनी है जहां पे रेलवे के जितने भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं वो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शंस इन्हीं को मिलते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जितना भी रेलवे में काम होगा उतना इनको बिजनेस मिलेगा और उतना इसका स्टॉक अप्रिशिएट करेगा, राइट? तो रेलवे में काम बढ़ते रहना चाहिए सो दैट इस कंपनी को रेवेन्यू मिलते रहे, और इस कंपनी को रेवेन्यू मिलेगा तो इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। अभी स्टॉक प्राइस काफी ऊपर जा चुका है, अब इन लेवल से और कहां तक जा सकता है उसकी बात करेंगे, इनके फाइनेंशियल्स देखेंगे, इनके बिजनेस को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे और देखेंगे कहीं लूप होल तो नहीं है, क्या प्राइस यहां से गिर तो नहीं सकता, उस सबके बारे में डिटेल में बात करूंगा। पहले मैं आपको इस कंपनी का थोड़ा सा रेवेन्यू मॉडल दिखा देता हूं। इनका जो रेवेन्यू आता है वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स से, ऐसा आप यहां देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे प्रोजेक्ट्स से ऑलमोस्ट 86% नॉन मेट्रो से आता है और मेट्रो से 7% ऑफ द वर्क आता है इनका। तो ये तो हो गया इनका मेन बिजनेस। अगर मैं इसका आपका कंपनी का चार्ट दिखाऊं, ये देख सकते हैं आप कितना ब्यूटिफुली स्टॉक, ऑलमोस्ट यहां पे 12 रुपीज का स्टॉक था 2020 में, ऑलमोस्ट जब कोविड आया था, उससे कोविड से पहले 26 रुपीज के आसपास स्टॉक था, और उसके बाद क्या ब्यूटीफुली ये ऊपर जा चुका है, ऑलमोस्ट 143 रुपीज तक इसने हाई मारा है, विच इज ग्रेटर देन 1000% रिटर्न्स। 1 लाख रुपए आपके 10 लाख रुपए यहाँ पे बन जाते हैं 2 सालों के अंदर अगर इस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया होता। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं स्टॉक मार्केट में, बट कंडीशन ये है कि हमें उसको ढूंढना आना चाहिए सही टाइम पे। अगर सही टाइम पे हम उसको एग्जिट एंट्री और सही स्टॉक को पिक नहीं कर पाएंगे तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमसे मिस हो जाएंगी। अगर आप भी मुझसे सीखना चाहते हैं किस तरीके से, मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा कोर्स मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, आप चाहे तो उसको ले सकते हैं। कमिंग बैक टू द स्टॉक, कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो दो एरिया से ज्यादा आता है। पहला आता है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जब वो लाइंस डलती हैं जहां पे ट्रेन चलती हैं उसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है वो इनका मेन बिजनेस है। और डबलिंग मतलब इट इन्वॉल्व्स द प्रोविजनल ऑफ एडिशनल लाइंस बाय द वे ऑफ डबलिंग द एग्जिस्टिंग रूट्स, जहां पे ट्रेन की पटरी डली होती है उसको अगर डबल करना हो तो वो डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन इनका मेन बिजनेस है जहां से इनका आता है। अगर मैं इनके आपको मेन क्लाइंट्स दिखाऊं, सम ऑफ द मेजर ऑर्डर्स आर फ्रॉम टाटा स्टील, NHAI, GMRC, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, और अभी इनको काफी बड़ा एक ऑर्डर मिल रहा है कजाकिस्तान से, उसके बारे में भी मैं डिटेल में बात करूंगा। अगर मैं इनके फाइनेंशियल्स पे जाऊं ना, थोड़ा सा आप यहां पे देख सकते हैं कंपनी की जो सेल्स हो रही है, सेल्स नंबर काफी अच्छे हैं। जो कंपनी 3000, 4000, 5000 करोड़ की सेल करती थी, आज वो 20,000 करोड़ की सेल हो चुकी है 5 से 10 साल के अंदर ही। अगर मैं इनका सेल्स का ग्रोथ हम यहां पे देखें, सेल्स ग्रो किस परसेंट से इसे कर रही है, विच इज ऑलमोस्ट आई वुड से 20% के आसपास ग्रो कर रही है, बीच में 6% भी यहां पे नंबर्स हुए हैं, बट 15-20% हम यहां पे ले लेते हैं। प्रॉब्लम जो एक मेन कंपनी में मेरे को दिखती है वो है इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। यहां पर आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इस कंपनी में मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, और ये भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स है ना कि नेट प्रॉफिट। अभी सिर्फ हमने इसमें एक्सपेंसेस माइनस करें, अभी तो इसमें और खर्चे हम माइनस करेंगे, टैक्सेस जाएंगे इसमें से, तो उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम बच जाता है, बट उसके ऊपर भी मैनेजमेंट क्या बोल रही है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं कि अच्छी बात क्या है कंपनी में। कंपनी की एक अच्छी बात जो मेरे को लगी यहां पर वो लगा इसका डिविडेंड काफी अच्छा देती है कंपनी, क्योंकि कैश रिच कंपनी है। यहां पर अगर मैं आपको डिविडेंड दिखाऊं, इसका डिविडेंड पे आउट ऑलमोस्ट यहां पे 30% के आसपास आप देख सकते हैं, यहां पे डिविडेंड है 30% के आसपास डिविडेंड देते हैं, और डिविडेंड अगर 30% है तो इसका अगर मैं आपको फेस वैल्यू दिखाऊं, फेस वैल्यू भी इसकी 10 रुपीज़ की है, तो 10 रुपीज़ के ऊपर आपको इसका डिविडेंड मिल रहा है। अगर मैं यहां पे आपको इसके डिविडेंड्स की थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे आप डिविडेंड्स देख सकते हैं, और कई बार तो साल में 2-2 बार डिविडेंड मिला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्रैल में 1 बार डिविडेंड मिला, फिर 2021 में 2-2 बार डिविडेंड मिला, तो ऑलमोस्ट 1.5-2-3 रुपए का डिविडेंड आपको साल के अंदर मिल जाता है। स्टॉक का प्राइस ही ऑलमोस्ट 120 रुपए है, 120 रुपए पे 2-3 रुपए तो आपको डिविडेंड ही अप्रिशिएट कर जाता है, विच इज ऑलमोस्ट आई वुड से 2-3% तो आपका डिविडेंड से रिटर्न आ रहे हैं, विच इज अ गुड सिग्नल। वो एक अच्छी बात लगी मुझे कंपनी में। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि कंपनी ने अभी तक कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स उसके पाइपलाइन में अभी भी चल रहे हैं, क्या उसकी ऑर्डर बुक है, उस ऑर्डर बुक से हम ये आइडिया लगा पाएंगे कि कितना रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। रेवेन्यू से नेट प्रॉफिट निकालेंगे और नेट प्रॉफिट से स्टॉक का प्राइस निकालेंगे, राइट? तो पहले मैं आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट्स दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कंपनी की वेबसाइट है, और यहां पर अगर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स इन प्रोग्रेस,
ऑलमोस्ट 72 प्रोजेक्ट्स हैं ये जो मैंने काउंट कर पाया हूँ, 72 प्रोजेक्ट्स से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो कंपनी के अभी भी चल रहे हैं, किस किस सिटी में चल रहे हैं, कहाँ कहाँ पाइपलाइंस डल रही हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है। सो आप समझ सकते हैं कितना बड़ी कंपनी है 72। एक प्रोजेक्ट ये रेलवे का बनाना इस बिग प्रोजेक्ट, और ऐसे ऐसे 72 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 200 से ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है राइट इस सेक्टर के अंदर, रेलवे के अंदर। ये सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है, पूरी डिटेल्स आपको मिल जाएगी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, देखिए मैंने आपको दो एरिया बताए थे, एक डबलिंग वाला, एक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, यही दो एरिया है जहाँ से कंपनी का मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है। डबलिंग लाइनें डबल्स करना रेलवे की, और इलेक्ट्रिफिकेशन करना। अब तो ये तो अभी तक हुआ कि कंपनी क्या कर रही है, पीछे कंपनी के पास ऑर्डर्स क्या है, कंपनी के पास नेक्स्ट प्लान क्या है, कहाँ ग्रो कर सकती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने जो कंपनी की कॉन कॉल सुनी उसमें थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करी पूरा, तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर बुक निकल कर आई। उसकी ऑर्डर बुक यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ, एज ऑफ क्वार्टर दिसंबर इट इज 52,000 करोड़ की ऑर्डर बुक। इसका मतलब 52,000 करोड़ के ऑर्डर उनके पास आ चुके हैं। 52,000 करोड़ इज अ वेरी बिग नंबर। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं अभी कंपनी कितने ऑर्डर्स कर रही है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, अभी कंपनी की जो सेल्स है 20,000 ऑर्डर्स, 20,000 का रेवेन्यू एक साल के अंदर करती है, और 50,000 ऑर्डर्स, मैं नहीं कह रहा एक साल के अंदर होने वाले हैं, हो सकता है वो 50,000 ऑर्डर्स 3 से 4 साल का काम हो, तो अभी मैं उसका भी आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ। बट 50,000 ऑर्डर्स के तो कभी तक कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी पड़ा है। ओके तो ये हो गया 50,000 ऑर्डर्स का जो ऑर्डर बुक है यहाँ पे। यहाँ पे भी इसके बारे में पूरी डिटेल्स बात करी गई है। 56,000 प्लस के ऑर्डर विच रेलवे शेयर, रेलवे शेयर जो है वो 36,000, मतलब रेलवे से जो मेन आ रहा है वो 36,000 का है। उसके अलावा पूरा उन्होंने डबलिंग का बताया, 6,400 करोड़ का है। न्यू लाइन्स 18,000 करोड़ की हैं, 20,000 करोड़ का यहाँ से हमारा ऑर्डर है। सो सॉर्ट ऑफ 56,000 करोड़, यहाँ पे भी वही नंबर निकल कर आ रहा है उन्होंने जो बोला है अपनी ऑर्डर बुक के अंदर, विच वेरी गुड नंबर। अब प्रॉब्लम है यहां पर एक, वो प्रॉब्लम मैं आपको दिखा देता हूं। पहले उससे पहले ये देखिए यहां पे भी बताया गया कि सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। हां यहां पे इनको जो एक मेजर प्रोजेक्ट अभी मिला है वो मिला है वंदे भारत ट्रेन। आप लोगों ने भी शायद सुना होगा, मीडिया में सुना होगा, वंदे भारत ट्रेन जो निकली है गवर्नमेंट उसको काफी कोशिश कर रही है वैसी और ट्रेन निकालने की, और वो यही एक कंपनी है जो उस ट्रेन को बना रही है। उस ट्रेन का ऑर्डर इन्हीं को मिला है। तो यहां पर अगर मैं आपको थोड़ी सी उसकी डिटेल्स दिखाऊं ना, सो द साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 120 करोड़ × 120, मतलब 120 ट्रेन्स हैं और 120 करोड़ की ऑलमोस्ट एक ट्रेन पड़ रही है, विच इज 32,000 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट से उनको आ रहा है। और यहाँ पे क्या बताया गया, सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, 35 ईयर्स की जो मेंटेनेंस होगी वो भी इन्हीं के पास है। दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स मेंटेनेंस ओवर ए पीरियड ऑफ 35 ईयर्स फॉर ईच ऑफ दीज ट्रेन सेट्स, एंड दैट कॉस्ट विल बी मोर देन 120 करोड़ पर ट्रेन। तो 120 करोड़ तो बनाने में कॉस्ट आ रही है, उसके बाद जो उसकी मेंटेनेंस है उसका भी रेवेन्यू आएगा यहाँ पर। दिस इज द प्राइस गिवन अराउंड, इट कम्स अराउंड 3% एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली एवरेजिंग, सो इट विल कम टू 35 × 3 अप्रॉक्सीमेटली 105 × 120, मतलब ऑलमोस्ट इतना ही मेंटेनेंस का भी चार्जेस होगा उसका। सो दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द ऑर्डर राइट, तो मेंटेनेंस भी इसमें इंक्लूडेड है। अब यहाँ पर थोड़े दिन पहले जो प्रॉब्लम ये है, वो थोड़े दिन पहले न्यूज़ आती है कि जो कंपनी है आरएनआरआर, उनके साथ एक दूसरी कंपनी है ब्रिटिश कंपनी, उनका कुछ क्लैश हो गया, जिस वजह से वंदे भारत का जो ऑर्डर है इसको वापस ले रही है गवर्नमेंट, इस ऑर्डर को वापस लिया जा रहा है, जिस वजह से स्टॉक में भी जहां पे थोड़ा सा लास्ट में अगर आप देख सकते हैं ना, लास्ट में थोड़ा सा डिक्लाइन आया था अभी कुछ दिन पहले स्टॉक के अंदर। अगर मैं आपको इसका डेली चार्ट दिखाऊं, उसका रीजन ही यही था। यहां पर देख रहे हैं आप, ये ऑलमोस्ट 140 रुपीज तक, 142 तक चले गया था, और अब 124 के आसपास जो ये कर रहा है कंसोलिडेट, वो एक रीजन ये भी था कि ये न्यूज आने का। बट यहां पे मैंने पूरा मैनेजमेंट का सुना है, मैनेजमेंट का पूरा जो उनका बताया गया, उन्होंने बताया है कि हमारा जो ऑर्डर जो हमने यहां पे बताया है अपनी ऑर्डर बुक्स के अंदर दिखाया है वो साइन हो चुका है, तो वापस नहीं लिया जा सकता। वो यहां पे इसमें बताया गया है वो ऑर्डर साइन हो चुका है,
मीडिया में जो दिखाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, ऑर्डर साइन हो चुका है, पेपर साइन हो चुका है, हम उस पर ऑलरेडी काम करना हमने स्टार्ट कर दिया है, ये पूरा इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम हो भी सकता है वो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में होगी, और वो भी अभी क्लियर नहीं है। जो इनके साथ एक ब्रिटिश कंपनी है जिसका कुछ मर्जर है, उनका कुछ है, अभी एग्जैक्टली मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में दिखाऊंगा, हो सकता है तब तक वो सॉर्ट आउट भी कर लें, बट अभी जो इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर हैं उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉर्ट आउट हो चुका है। तो वो ऑर्डर इन्हीं के पास है जो न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा है, वो यहाँ पे क्लियर हो गया। वो सिर्फ प्राइस डिक्लाइन जरूर हुआ है न्यूज की वजह से, या किसी भी ऑपरेटर ड्रिवन्स की वजह से हो सकता है वो चीजें हुई हो, बट वो प्रॉब्लम एक्चुअली में है नहीं। यहाँ पे कंपनी की ना एक और सब्सिडी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उस कंपनी का नाम है HSRC, ये RVNL की ही एक सब्सिडी है। और अब यहाँ पे मैंने थोड़ा और डिटेल्स इसकी फाइंड आउट करने की कोशिश करी, ये सब्सिडी करती क्या है, ये जो हाई ट्रेन्स होती है ना, जो 350 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड से चलती हैं, उनके ऊपर ये काम करती हैं, उनके ट्रैक्स वो सब। अगर मैं इसकी लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट आपको दिखाऊँ ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1487 लाख्स As compared to 131 lakhs in the previous year. मैं शॉक हो गया नंबर सुन के। लास्ट ईयर 131 लाख, 131 थ्री डिजिट्स थे, और अब 1487 लाख का रेवेन्यू। ये कम रेवेन्यू फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है यहां पर। मैंने इसको डिटेल में इसकी बैलेंस शीट पढ़ने की पूरी कोशिश करी, तो यहां पे देखिए लास्ट ईयर रेवेन्यू 131 का था और अब वो 1487 का हो चुका है, और ये भी RVNL का ही पार्ट है। आपको एक प्रॉब्लम बताई थी कि कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन है ना, मार्जिन बहुत कम है। अगर कंपनी 2000 करोड़, 10,000 करोड़ या 50 करोड़ की सेल कर भी रही है, बट उस पर जो घर पे उन्हें बच रहा है नेट प्रॉफिट, वो बहुत कम बचता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही 5-6% है, वो मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी। तो यहाँ पे भी उसके बारे में मैनेजमेंट ने बात करी है। सी What I said in the opening remarks is that we had achieved the top line, we have achieved the bottom line, the growth of the top line was around 5%, right? और यहाँ पे उन्होंने बोला है, so what we see is that the bottom line will grow the same kind of growth, and in time to come you will see that once we get more and more order, we have already started working on increasing the margins. तो अभी कंपनी थोड़ा सा नए ऑर्डर्स ले रही है, मार्जिन उन्होंने कम करे हुए हैं, बट धीरे धीरे अपने मार्जिन भी यहाँ पे बढ़ाएंगे, ये कंपनी में कॉन कॉल में बोला गया है। जो मुझे प्रॉब्लम लग रही थी वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे हो सकता है आने वाले सालों के अंदर थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो जाए। अभी जो कंपनी का प्राइस चल रहा है वो 123 का प्राइस है। यहां से एक्चुअली में मुझे क्या प्राइस लग रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं सेल्स, अगर कंपनी की आप सेल्स देखें ना, सेल्स की जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट यहां पे मैं देखूं पिछले कुछ सालों से 44% रहा, 6% रहा, 25%, 4%, तो मैं अगर इसका एवरेजिंग करूं ऑलमोस्ट मुझे 15-20% की ग्रोथ दिख रही है। अगर मैं नंबर्स को भी चेक करूं 15-20% की मुझे सेल्स में ग्रोथ दिख रही है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे आके नेट प्रॉफिट की ग्रोथ देखूं तो नेट प्रॉफिट भी मुझे ऑलमोस्ट यहां पे अगर आप देखें 757, 992, 1183, 1421, तो ये भी ऑलमोस्ट 20-30% की ग्रोथ मुझे हर साल की दिख रही है। सेल्स भी ऑलमोस्ट 20% में एवरेज पकड़ रहा हूं, और यहां पे तो 30% ग्रोथ भी हुआ नेट प्रॉफिट में। परसेंटेज वाइज सेल्स के ऊपर अभी भी कम है, बट मैं क्या बता रहा हूं आपको, आप समझ रहे हैं, 757 का 992 which is almost 31%, 992 का 1183 which is almost 20%, तो ये जो ग्रो कर रहा है नेट प्रॉफिट वो 20% है, बट हाँ सेल्स के ऊपर अभी भी ये 1-2% पे ही खेल रहे हैं, तो 20% का नेट प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। अगर मैं अर्निंग्स की बात करूं 3.63, 4.7, ये तो ये भी ऑलमोस्ट 15-20% का मैं एवरेज ले रहा हूं। तो अगर मैं अर्निंग्स जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से इसका पी मल्टीप्लाई चल रहा है अभी, मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 140-150 रुपीज के आसपास हो सकती है, वो एक अच्छा लेवल होगा। वहां पर जाके हो सकता है प्राइसेस रुके, और अभी जैसा हमने देखा वहीं तक प्राइसेस गए थे, और वहीं से एक थोड़ा सा, ये तो आप देख रहे हैं ना, ये 140 का लेवल यही, तो यहां से बहुत ज्यादा मैं अभी आने वाले कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं मूवमेंट। अभी ऑलरेडी 120 पे चल रहा है, अगर यहां से एक थोड़ा सा डिक्लाइन होता है किसी भी रीजन से, आई एम नॉट श्योर वो होगा कि नहीं होगा, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अदरवाइज 120 से 140 की एक रेंज, 150 की एक रेंज मेरे को लग रहा है अभी प्राइसेस में हो सकता है। बहुत ज्यादा मूवमेंट आने वाले कुछ टाइम के लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। ओके, तो मुझे कंपनी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम लगती है, वो प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है अगर कंपनी के प्रोजेक्ट्स डिले हों, वो एक मुझे प्रॉब्लम लगती है। अगर कंपनी के प्रोजेक्ट्स डिले हुए तो गवर्नमेंट फिर आने वाले प्रोजेक्ट्स में टेंडर देने से बिल्कुल सोचेगी 10 बार, वो एक है। अगर वो ये अपना काम ढंग से करते रहें, और मुझे कंपनी में अभी तक कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई, कंपनी अच्छी कंपनी है, मार्जिन्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है, मार्जिन्स भी उन्होंने बोला हम धीरे धीरे उसको रेक्टिफाई करेंगे, वो देखना
इंपॉर्टेंट रहेगा कितना रेक्टिफाई करते हैं। अगर ये मार्जिन इंप्रूव करते हैं तो ये 150 से ऊपर का प्राइस भी मुझे दिख सकता है। और ये जो मैं प्राइस आपको बता रहा हूँ ये 2-3 साल का नहीं बता रहा, ये पिछले कुछ मंथ्स के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ। ये अर्निंग्स जैसे नई अर्निंग्स आएंगी और ज़्यादा कंपनी ग्रो करेगी तो 150 से भी ऊपर जाएगा प्राइस। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो, कुछ सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करता हूँ। सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से एक लर्निंग वीडियो में। थैंक यू बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।